नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं समर डाइट का कुछ ऐसी डाइट जिसको आप ड्रिंक फॉर्म में पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गर्मी शुरू हो चुकी है तो हम लोगों को यहां पर ड्रिंक फॉर्म पे ही ज़्यादा से ज़्यादा डाइट अपनी लेनी है और जिससे आपकी गेनिंग भी कर पाएँ और लीनिंग भी कर पाएँ। तो यहाँ पर अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आज मैंगो विद ओट्स, मतलब मैं आम के साथ ओट्स को शेक बनाऊंगा और उसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको कितना कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा जो आपकी मसल्स गेनिंग के लिए बेहतर होगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर मैंने जो आम लिए हैं 200 ग्राम लिए हुए हैं, जहाँ पर 100 ग्राम आम में 17 कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है, तो 34 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको यहाँ से मिल रहा है। प्लस मैंने यहाँ पर 25 ग्राम ओट्स लिए हैं जहाँ पर आपको 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शुगर लिया है। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा मीठा पीना पसंद करेंगे या कम मीठा पीना पसंद करेंगे, शुगर फ्री पियेंगे कैसा पियेंगे ये आप पे डिसाइड करता है। और यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क, तो इस तरीके से जो हमारी टोटल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पहुँच जाएगा वो 60 के आसपास पहुँच जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बेहतर ये होगा कि यहाँ पर हमें जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हम मिल जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, जहाँ पर हमें ज़्यादा रोटी खाने की ज़रूरत नहीं होगी, डाइजेशन हमारा अच्छा रहेगा, हमें किसी भी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस तरीके से गर्मी का समय चल रहा है डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा खाने पर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ठंडियों में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लिक्विड फॉर्म पे किस तरीके से आप गेनिंग करेंगे, तो ये गेनिंग के लिए ही होगा। अब फटाफट जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा ये, हालांकि आपको भी मालूम है कि आप घर में मैंगो शेक जरूर बनाते हैं लेकिन यहाँ पर आपने ओट्स उसमें ऐड नहीं किए होंगे। तो प्रोसेस है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो हम लोग इसको पीने के लिए तैयार हो जाए। आपको अगर ये लग रहा है कि ये ज्यादा गाढ़ा है तो आप इस पे, वैसे ये गाढ़ा ज्यादा है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए, ज्यादा गाढ़ा हो गया है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं मेरा भी ऑफ सीजन आ चुका है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ गेनिंग करें, तो मैं चाहूँगा यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफ सीजन में मैं अपनी गेनिंग करूँ। देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा ये, जिस तरीके से मार्केट में रुआबजा और गरी वगैरह डाल देते हैं आप भी उसको डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी पी सकते हैं। खैर मैं पीता हूँ, आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका, काफी अच्छा टेस्ट है। तो दोस्तों इसको पिए, ट्राई करें, कमेंट करें, बताएं कि ये शेक जो मैंने बताया आपको गर्मी के लिए कैसा रहेगा, आइस पीसेस इसमें डाल सकते हैं आप अपने आप सर्व करें, मम्मी पापा को पिलाएं, आप भी हेल्थी रहें, आपके मम्मी पापा भी हेल्थी रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।